दोस्तों आज हमारे पास दो बेहतरीन मोबाइल हैं। एक का नाम है आईकू Z9X 5G, दूसरे का नाम है रियलमी Narzo 75G। दोनों की कीमत में आप लोगों को 1500 रुपये का अंतर देखने के लिए मिलेगा। रियलमी नार्जो आप लोग को 16000 रुपये का पड़ेगा, वहीं आप लोगों को आईकू Z9X 14500 रुपये का पड़ जाएगा। चलिए दोनों फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग बताते हैं दोनों में से आप लोगों को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। रियलमी नार्जो का बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले इसमें रखा हुआ मिल जाए एक लीफलेट जिसमें 6 महीने की वारंटी के बारे में बताया गया है। बाद मिल जाए कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर टूल, एक ट्रांसपेरेंट केस जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें आप लोग को मिल जाएगा फ़ोन रखा हुआ जो कि मेरा ग्रीन कलर में है, एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल जिससे आप लोग का फ़ोन चार्ज होगा, और दूसरा अपने आप मिल जाएगा 45 वाट का सुपर बुक चार्जर जिससे आप लोग का फ़ोन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे में 0 to 100 चार्ज हो जाएगा। बात करें आईकू वाले की तो आईकू में सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा एक IMEI स्टिकर, फिर आप लोग का फ़ोन रखा हुआ मिल जाएगा प्लास्टिक रैप में, फिर आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, एक ट्रांसपेरेंट केस जिसकी क्वालिटी अगेन काफ़ी डिसेंट से आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है, सिम इजेक्टर टूल, एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल। उसके बाद इसमें आप लोग को मिल जाएगा 44 वाट का वीवो का फ्लैश चार्जर जिससे आप लोग का फ़ोन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे में 0 to 100 चार्ज हो जाएगा। दोनों फ़ोन के फुल डिज़ाइन के मामले में बात करी जाए दोनों फ़ोन में आप लोगों को पीछे 2 कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। आईकू में भी आप लोगों को 2 ही कैमरा देखने के लिए मिलेगा और दोनों का वेट अप्रॉक्सीमेटली 188 से 190 ग्राम के बीच में ही रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दोनों फ़ोन का बैक प्लास्टिक से बना हुआ है लेकिन रियलमी नार्जो में ऊपर आप लोग को हल्का सा ग्लॉस ट्रीटमेंट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। बात करें थिकनेस की, दोनों ही फ़ोन आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 8mm का थिक है, तो बहुत ज़्यादा मोटा आप लोग का फ़ोन फील नहीं होने वाला है। चलिए बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों ही फ़ोन में आप लोग को 6.72 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। रियलमी नार्जो में आप लोग को एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, वहीं आप लोग को आईकू में फुल HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। तो एमोलेड और फुल HD+ में ऐसा कुछ खास कंपेयर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ एमोलेड एनी डे बेटर रहता है IPS LCD डिस्प्ले से। आप लोग कलर वगैरह देख सकते हैं, रियलमी नार्जो में कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, इसमें कलर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट से आते हैं, तो आप लोग को डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आप लोग को नार्जो में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने के लिए मिलेगी, तो आप लोग को आउटडोर में ऐसी कुछ खास भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें बेजर वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे से हैं। बात करें आईकू Z9X की, तो इसमें आप लोग को नॉर्मल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, IPS LCD वाला फुल HD+ डिस्प्ले, जिसकी वजह से इसमें कलर वगैरह कुछ खास ऐसे मतलब एमोलेड के कंपैरिजन में अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। इसके अलावा इस फ़ोन में आप लोग को सामने पंच होल मिल जाएगा, इसकी चिन वगैरह भी आप लोग को ठीक ठाक सी देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों ही फ़ोन में आप लोग 120Hz तक इसका रिफ्रेश रेट चेंज कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो इस प्राइस रेंज में एक आध फ़ोन ऐसे भी हैं जिसमें आप लोग सिर्फ 90Hz तक इसका रिफ्रेश रेट चेंज कर पाएंगे। बात करें दोनों के फिजिकल ओवरव्यू की, तो नीचे आप लोग को मिल जाएगा स्पीकर, ईयरफोन जैक, चार्जिंग जैक, माइक। रियलमी नार्जो में आप लोग को मिल जाएगा सिम ट्रे, आप लोग को रियलमी नार्जो में ऊपर मिल जाएगा ईयरफोन जैक, IR ब्लास्टर, इस साइड मिल जाएगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। आईकू में रियलमी में आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन में आप लोग को हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने के लिए मिलेगा, इससे आप लोग को 2 सिम कार्ड आप लोग यूज़ कर पाएंगे। बात करें स्टोरेज की, तो आईकू में आप लोग को 21.51 GB तक सिस्टम यूज़ कर लेता है, वहीं आप लोग का नार्जो में 23.6 GB तक सिस्टम यूज़ कर लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इन लोग की जो कस्टम स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। दोनों ही फ़ोन में आप लोग को एक्सटेंडेड रैम का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आप लोग 6 GB तक अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये दोनों फ़ोन आप लोग को एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वीवो ने 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट वगैरह भी प्रॉमिस कर रखा है, तो ये तो अपडेट वगैरह जब आएंगे तब पता चलेगा। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ प्रोसेसर आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। आईकू में आप लोग को स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर लगा हुआ मिलेगा, वहीं आप लोग को रियलमी में डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाएगा। देखिए दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप लोग के डे टू डे टास्क में बहुत ही आराम से दोनों प्रोसेसर कर देंगे, आपको कोई खास ऐसी दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है। लेकिन स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होने के कारण आप लोग को आईकू ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज रहता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग नॉर्मल गेमिंग वगैरह करते हैं आप लोग को दोनों ही फ़ोन बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे, ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोनों फ़ोन में। अगर आप लोग नॉर्मल वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं तब भी आपका फ़ोन आराम से पूरे दिन आप लोग को कोई भी बिना प्रॉब्लम के चल जाएगा। बात करें बैटरी की, तो बैटरी में आप लोग को आईकू में 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, वहीं आप लोग को नार्जो में सिर्फ 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी। चार्जिंग स्पीड भी दोनों फ़ोन में आप लोग को लमसम सेम देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आप लोग का आईकू थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा चार्ज होने में क्योंकि इसमें आप लोग को 1000 mAh बैटरी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू रियलमी।
बात करते हैं कैमरा की, तो आप लोग दोनों कैमरा के मॉड्यूल देख सकते हैं। आप लोग दोनों में से किसका कैमरा लेआउट पसंद है आप लोग उसको कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। रियलमी नार्जो आप लोग को फेक कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इसमें आप लोग सिर्फ दो ही कैमरा लगे हुए मिलेंगे, वहीं आप लोग को आईकू में सिर्फ दो कैमरा दिखाए जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आईकू में आप लोग को 50+2 MP का सेटअप मिल जाएगा और फ्रंट में इसमें आप लोग को 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। नार्जो में आप लोग को 108 MP का बैक कैमरा भी देखने के लिए मिल जाएगा और 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग आईकू का 8 GB वाला वेरिएंट परचेस करते हैं तब आप लोग को इसमें 4K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 6 GB वाला वेरिएंट खरीदते हैं जो कि मैंने ख़रीदा हुआ है तो इसमें आप लोग को 4K का भी सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और दोनों ही फ़ोन के कैमरा ऐप में काफ़ी सारे मोड आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। कंपेयर कर लीजिए फोटो तो आप लोग को रियलमी वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें आप लोग को एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ मिलेगा, तो इससे कलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा सेचुरेटेड हो जाते हैं। वहीं आप लोग को आईकू में फ़ोटो अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाएगी, ऐसी कुछ खास आप लोग को दिक्कतें नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बजट की, आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए। देखिए अगर आप लोग के पास 1500 रुपये ज़्यादा है तो आप लोग रियलमी नार्जो 70 ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग को एक अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है जो कि एमोलेड है, इसके साथ साथ इसमें आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप लोग को रियलमी वाले में या कैमरा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, एक बड़ा सेंसर इसमें लगा हुआ है और लुक वाइज देखेंगे तब भी आप लोग को रियलमी नार्जो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम ये कहेंगे अगर आप लोग को इतना ज़्यादा बजट आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग रियलमी नार्जो की जगह आप लोग रियलमी P1 परचेस करिएगा, उसका बैक डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है। आप लोग को जिस फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा लगे आप लोग वो फ़ोन परचेस करिएगा। और आप लोग को रियलमी नार्जो में एक और एडवांटेज मिलेगा, इसमें आप लोग को Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो इस वजह से रियलमी नार्जो कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी खासी वैल्यू आप लोग को प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आप लोग आईकू लेना चाहते हैं तो आप इसको कोई छोटा वेरियंट परचेस करिएगा, ये आप लोग को ज़्यादा अच्छी आप लोग को वैल्यू दे देगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।